जब तक ये रक्षा चलती रहेगी हमें भी चलना होगा। मैं दो कदम और चली ना भाभी तो बेहोश हो जाऊंगी। मैं जिंदगी में इतना नहीं चली जितना इस रक्षा की बच्ची के लिए चली हूँ। आइडिया भी तो तेरा ही था ना शीतल। चलो भाभी उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप भाभी। एसी में बैठकर हम बच्चों को कैसे बचाते हैं? हम माए हैं, कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी ना। अरे तो देना कुर्बानी, चल। मैं कब इनकार कर रही हूँ, लेकिन कब तक चलेगी ये तो चलती जा रही है, चलती जा रही है। कमबख्त टैक्सी भी तो नहीं लेती। आइडिया क्या? अरे ये टैक्सी ले ना ले, हम तो टैक्सी कर सकते हैं ना। अरे भाभी क्या आइडिया है? मेरे आइडियाज हमेशा ब्रिलियंट होते हैं, तेरी तरह फजूल थोड़ी ना। अरे शीतल। सरदार जी उस औरत का पीछा करना है। मैडम कौन सी औरत का? अरे वो ब्लू सलवार कमीज वाली औरत है ना, उसका पीछा करना है। क्या आप सीबीआई वाले हैं? हाँ हम सीबीआई वाले हैं। चलिए चलिए चल। तुझे पता भी है सीबीआई क्या होता है? हाँ आपको नहीं पता? अरे सीबीआई का मतलब है कार में बैठ के इन्वेस्टिगेशन करना। ओफो शीतल तू तो बहुत ही पागल है। चलो सरदार जी जरा जल्दी करो। हाँ पीछा करो। ओफो सरदार जी गाड़ी क्यों रोक दी? सॉरी सीबीआई मैडम जी, आगे आपको पैदल चलना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जिसका आप पीछा कर रही थी वो नो एंट्री में चली गई है, वहाँ मेरी गाड़ी नहीं जा सकती मैडम। ओह नो। चल अब। नहीं। क्यों उसका पीछा नहीं करना? नहीं भाभी मैंने सीबीआई की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। शीतल मैंने भी कर दिया, मैं भी थक गई हूँ, घर चले। चलो ना सरदार जी घर चलो। मैडम आपका घर कहाँ है? 9th रोड जुपाना स्कीम।